बड़ी खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान दुर्गेश गैंग का बदमाश गिरफ्तार किया गया है और पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने से घायल हुआ है। बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कॉम्बिंग के बाद तीन और बदमाश भी गिरफ्तार हुए हैं। मौके से दो बाइक और लूट के मोबाइल और तमंचा भी बरामद किया गया है। नोएडा से बड़ी खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान दुर्गेश गैंग का बदमाश गिरफ्तार किया गया है। पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि पुलिस बदमाशों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। कॉम्बिंग के बाद तीन और बदमाश गिरफ्तार हुए। मौके से दो बाइक, लूट के मोबाइल और तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया। तो नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें चार बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। मौके से दो बाइक, लूट के मोबाइल और तमंचा भी बरामद किया गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ के दौरान दुर्गेश गैंग का बदमाश गिरफ्तार हुआ है और पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। फिलहाल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कॉम्बिंग के बाद तीन और बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। मुजफ्फर